देखिए दोस्तों, इंडिया का सबसे फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान और इस मूवी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आ गई। एक्ट्रेस लेकर डायरेक्टर और कुछ फिल्म की स्टोरी से रिलेटेड प्लॉट भी रिवील हो चुका है। तो चलिए जानते हैं हमें शक्तिमान में क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए पहली बात, हमको सोनी पिक्चर वालों की सबसे खराब बात लगी। लोग फिल्म अनाउंसमेंट मोशन पिक्चर कुछ भी रिलीज करते हैं जब फिल्म के ऊपर कुछ काम हुआ हो या फिर कुछ पोर्शन में शूट करी गई है फिल्म की, बट इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे बस एक मुंबई का शहर का वीडियो बनाया, थोड़ा हॉरर जैसा तामझाम करवाया, एक सूट जिसके ऊपर मुंडी नहीं, एक चश्मा, एक टाइप साथ मोशन पिक्चर अपलोड कर दिया। और जबकि असल में फिल्म पर कुछ भी ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया गया था, यहाँ तक कि मेकर्स को कौन शक्तिमान प्ले करेगा यह भी नहीं मालूम था और ना ही फिल्म का डायरेक्टर करता पता था, बस फिल्म बनेगी। देखिए अब जाकर इनको शक्तिमान का एक्टर मिला है। जी इन्होंने चुना है बॉलीवुड से रणवीर सिंह को। पहले मुझको लग रहा था ये शक्तिमान का कैरेक्टर एकदम बखूबी से निभा लेंगे, गंगाधर शास्त्री का मासूमियत अलग कैरेक्टर भी ढंग से कर लेंगे, बट जब से इन्होंने अपना कचरा वाला घटिया फोटोशूट किया है ना, तब भाई इनसे भरोसा ही उठ गया है। देखिए रणवीर सिंह तो फिल्म में एक्शन एक्टिंग सब अच्छा कर लेंगे, बट इनका कैरेक्टर पूरी शक्तिमान फिल्म को ले डूब जाएगी। भाई लोग इनसे नफरत हो गई, मैं बोल रहा ना पक्का लोग भड़क जाएंगे इनसे जब ये शक्तिमान का सूट में थिएटर पे आएंगे। तो इससे अच्छा था आदि शेष को ही रख लेते। जी हाँ, रणवीर सिंह से पहले आदि शेष के लिए बातचीत चल रही थी, जबकि उन्होंने पहले भी सोनी पिक्चर के साथ मेजर फिल्म में काम किया और अपना परफॉर्मेंस से पूरा इंडिया का दिल जीत लिया था, बट न जाने कि मुकेश खन्ना ने इनको नहीं रखा अपना शक्तिमान प्ले करने के लिए। देखिए अब क्या ही कर सकते, बस अब झेलेंगे रणवीर सिंह को एज ए शक्तिमान के रूप में देख देख करे। देखिए अब सोनी पिक्चर ने अपना डायरेक्टर भी चुन लिया है और हाँ, ये कतई मत सोचना कि डायरेक्टर तो कम से कम साउथ का ही रखा होगा उन लोगों ने, ना ही बॉलीवुड से ही है और आप उनको पसंद भी करेंगे। जी हाँ, ओम राव डायरेक्टर हो चुके हैं फाइनल शक्तिमान के लिए। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये तानाजी फिल्म का डायरेक्टर है, फिर प्रभास के आदि पुरुष से ही बना रहे और इनका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इनके कोई माइनस पॉइंट नहीं है, डायरेक्शन में एकदम बेस्ट रहता है इनका और विजुअल तो पूछो ही मत। तानाजी इससे बड़ी पिक फिल्म को इन्होंने विजुअल दिया है जो एकदम तगड़ी पिक निकली थी। और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड से मुझे यही नंबर वन डायरेक्टर लगते हैं। और आपने देखा ही होगा रिसेंटली बहुत सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर काम, सम्राट पृथ्वीराज, शमशेरा, जो लो लेवल डायरेक्शन कारण फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन शक्तिमान का ऐसा हाल नहीं होने वाला। इंडियन जनता फिल्म के ट्रेलर से पहले उसके टाइटल सुनकर ही दौड़ पड़ेंगे सिनेमा हॉल में। और जबकि फिल्म सोनी पिक्चर बना रहा है तो बजट भी लोगों ने कम से कम 800-900 करोड़ रखा है, जिसके बाद इंडिया की सबसे महंगी फिल्म साबित हो जाएगी शक्तिमान। और फिल्म की स्टोरी शक्तिमान के पहले पार्ट में वही रहने वाली है, अंधेरे के देवता किल्विस को हराना है शक्तिमान को, मगर कैरेक्टर, अवतार, विजुअल्स, पावर, स्टाइल सब कुछ एडवांस होगा। लेकिन आपको पार्ट टू में शक्तिमान की स्टोरी अलग देखने को मिलेगी, नए विलेन होंगे, एक यूनिवर्स क्रिएट हो चुका होगा और वे सुपर हीरो कैरेक्टर की एंट्री होगी फिल्म में। और जैसे कि मुकेश खन्ना ने कह दिया है, रावण क्रिस से भी कई गुना ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेगी शक्तिमान में, बट एक्टर इन लोगों ने गलत चुन लिया है। देखते हैं कब आती है फिल्म, कैसी होती है, वो तो भविष्य ही बताएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।